मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन सेल है। यदि इसको मैं इस वायर से कनेक्ट करता हूं तो कुछ इस तरीके से हीट होने लग जाता है सिर्फ इतने से वोल्टेज से। और अब इस वायर को किसी और शेप में भी बदला जा सकता है। बेसिकली इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है और यही करंट इसको हीट कर रहा है। तो करंट की बेसिक हीटिंग प्रॉपर्टी को लेकर वेल्डिंग की जाती है। हमें सिर्फ एक जबरदस्त आर्क दिखाई देती है जब वेल्डिंग होती है तब, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड एक ट्रांसफॉर्मर होता है जो एक स्ट्रॉन्ग लोहे की मेटल को कुछ ही मिलीसेकंड में पिघला देता है। इस वीडियो में वेल्डिंग मशीन को 3D एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं। कुछ मेरे दोस्त नाराज है वीडियो लेट होने की वजह से, लेकिन हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो जल्दी आपके बीच में आने वाला है, जो मेरे ख्याल से आपकी पूरी नाराजगी को खत्म कर देगा। और एक टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हो, जहां पर हम साइंस से जुड़े लोगों की एक कम्युनिटी तैयार कर रहे हैं। जब कोई पर्सन वेल्डिंग करता है तो इस वेल्डिंग होल्डर से 50 एम्पीयर से लेकर 300 एम्पीयर तक का करंट फ्लो करता है, और जो जबरदस्त आर्क हमें दिखाई देती है उसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो किसी भी मेटल को आसानी से पिघला देता है। यह करंट कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 3 से 4 एम्पीयर का करंट एक इंसान की जान ले सकता है। वेल्डिंग मशीन में एक वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर होता है जो साइड में रखे इस बॉक्स के अंदर होता है। वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। जब हम इसको 220 वोल्ट या 440 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो आउटपुट में यह करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और वोल्टेज को बहुत कम कर देता है। वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में एक आयरन की कोर होती है कुछ इस टाइप की। इस कोर को यदि पास से देखें तो कुछ इस तरीके के इसमें आयरन के पतले पतले पत्ते होते हैं, और हर एक आयरन की कोर को लेमिनेट किया जाता है एडी करंट से बचाने के लिए। एडी करंट आपको आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन जो आयरन की कोर है उसमें असल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। इस आयरन की कोर पर सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग को सेट करते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर दो कॉइल लगी हुई है और यह दोनों प्राइमरी वाइंडिंग ही है। इन दोनों को एक साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट कम होता है और वोल्टेज ज़्यादा होता है, इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो वायर लगे रहते हैं उनकी थिकनेस कम होती है। प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग को सेट किया जाता है, और इन दोनों वाइंडिंग को अलग अलग करने के लिए एक लेमिनेशन को यूज किया जाता है जो कोई पेपर की सीट भी हो सकता है। यह जो सेकेंडरी वाइंडिंग है यही 300 एम्पीयर तक का आउटपुट में करंट निकालती है, इसी वजह से इसके वायर की मोटाई भी ज़्यादा होती है। अब आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन आने चाहिए। जब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से अलग है, आपस में टच नहीं करती है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में इतना हाई एम्पीयर का करंट कैसे निकलता है? क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंडरी वाइंडिंग 50 एम्पीयर से लेकर 300 एम्पीयर के अलग अलग टर्मिनल हमें आउटपुट में देती है, तो यह सब कैसे किया जाता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन का जवाब वीडियो आपको पूरा देखने के बाद में देना है। जब इतना हाई एम्पीयर का करंट इस होल्डर से फ्लो होता है तो जो लोग वेल्डिंग करते हैं वह बहुत बार इलेक्ट्रोड को हाथ से टच करते हैं और उनको कोई भी करंट नहीं लगता है, ऐसा क्यों? सबसे पहले क्वेश्चन 1 को सोल्व करते हैं। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। कहने का मतलब प्राइमरी वाइंडिंग एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगी और अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगी कुछ इस तरीके से, जिनको फ्लक्स लाइनें बोलते हैं। और यह फ्लक्स लाइनें सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करेगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसको EMF बोला जाता है। जो फ्लक्स लाइन होती है हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई आएगी तो यह अपने आसपास में फील्ड जनरेट करेगी, और यह सेम फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ साथ आयरन की कोर के भी कॉन्टेक्ट में आएगा, और इस आयरन की कोर में भी एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एडी करंट। और इस करंट की हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अपने आप आयरन की कोर में फ्लो होना शुरू हो जाता है, इसलिए इस एडी करंट से बचने के लिए आयरन की कोर को लेमिनेट किया जाता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल टू सेकेंडरी वाइंडिंग करंट अपॉन प्राइमरी वाइंडिंग करंट। फॉर्मूले को देखकर घबराना नहीं है, एकदम आसान भाषा में समझते हैं।
जो हमने प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, वही प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज हमें मिलता है वह बहुत कम वोल्टेज मिलता है, जिसको अभी हमें पता नहीं है कि हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन हमें इस बात का पता है कि प्राइमरी वाइंडिंग को जब हमने बनाया था तो उसमें वायर के कितने टर्न लगाए थे। तो प्राइमरी वाइंडिंग की पहली कॉइल में 224 टर्न है और दूसरी में भी 224, तो टोटल हो गए 448। यही नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक ऐसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में लगी दोनों कॉइल के टोटल टर्न 110 है। अब इस फॉर्मूले से हम सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज निकाल लेते हैं जो हमें मिलता है 54 वोल्ट। तो बेसिकली मैंने आपको यह सब इसलिए बताया है कि हमने प्राइमरी वाइंडिंग में 220 वोल्ट दिया था और हमें आउटपुट में मिला है सिर्फ 54 वोल्ट, यानी वोल्टेज हमारा कम हो गया। अब करंट को चेक करते हैं कि करंट हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना मिलता है। इन दोनों टर्म को देखें तो हमें समझ आता है कि यदि प्राइमरी में 110 एम्पियर का करंट है तो सेकेंडरी में 440 एम्पियर का करंट मिल रहा है। कहने का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें वोल्टेज कम मिल रहा है और करंट ज्यादा मिल रहा है। तो इस तरीके से वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर करंट को बढ़ा देता है और वोल्टेज को कम कर देता है। इसीलिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से, और जब टर्न्स कम होंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा और वोल्टेज का करंट से उल्टा रिलेशन होता है। जब वोल्टेज कम होता है तो करंट बढ़ जाता है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में वायर मोटे लगे रहते हैं ताकि ज्यादा करंट को वह सहन कर सके। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि हम चेक करें सेकेंडरी वाइंडिंग के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का वोल्टेज तो हमें पूरा 54 वोल्ट मिलेगा। लेकिन मान लो वाइंडिंग के बीच में हम एक पॉइंट बना लेते हैं, तो क्या अब हमें इन दोनों टर्मिनल के बीच में 54 वोल्ट मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब हमारे टर्न भी कम हो गए तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा और करंट हमारा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीके से इस वाइंडिंग के बीच बीच में से एक एक टेप निकालकर हमें आउटपुट में बहुत सारे टर्मिनल दिए रहते हैं अलग अलग करंट के लिए। जब हम किसी भी मेटल को वेल्डिंग करते हैं तब एक वायर को हम उससे अटैच कर देते हैं जो डायरेक्ट इस ट्रांसफॉर्मर से जुड़ा रहता है। इसका मतलब है जब वेल्डिंग शुरू होती है तो यह वायर करंट को वापस रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है, तब जाकर सर्किट क्लोज होता है और करंट फ्लो होना शुरू होता है। लेकिन जब वेल्डिंग होती है तो जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है वह जिस भी दो मेटल को जोड़ने के लिए वेल्डिंग कर रहे हैं उनको टच नहीं करता है। हम उस वेल्डिंग मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच में हल्का एयर गैप बनाकर रखते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रोड मेटल से टच हो जाएगा तो प्रॉपर करंट फ्लो होने लग जाएगा और वेल्डिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। लेकिन हमें तो एक जबरदस्त स्पार्क पैदा करना है। जब हम इलेक्ट्रोड और मेटल के बीच में हल्का सा गैप बना लेते हैं तो अब 300 एम्पियर का करंट एयर से होते हुए इस मेटल से होते हुए अपना पाथ पूरा करेगा, और जैसे ही करंट एयर के थ्रू अपना पाथ पूरा करेगा तो जबरदस्त आर्क क्रिएट करेगा और यह आर्क इस मेटल को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देगा। और जो इलेक्ट्रोड की टिप है उससे भी हाई करंट फ्लो हो रहा है तो वह भी गर्म होकर पिघलने लग जाएगा। तो जिन दो मेटल को जोड़ना है जब वह बहुत ज्यादा गर्म होते हैं तो आपस में उनके एटम एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और ऊपर से जो इलेक्ट्रोड है वह पिघलकर इन दोनों मेटल को चिपका देता है और बीच में जो भी गैप है उसको भी पूरा भर देता है। अब आप नोटिस करोगे जो इलेक्ट्रोड होता है उसके बीच में मेटल होती है और चारों तरफ उसके फ्लक्स चिपका रहता है। इसका मतलब है जब वेल्डिंग चलती है तो आसपास में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस अवेलेबल रहती है, और यह गैस ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती है जो वेल्डिंग के बीच में क्रैक्स पैदा करती है। इसलिए फ्लक्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को वेल्डिंग के बीच में नहीं आने देता, और यह फ्लक्स जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में मिक्स होता है तो स्लैग बना देता है जो वेल्डिंग के ऊपर एक लेयर बनी होती है, जिसको किसी ब्रश से वेल्डिंग होने के बाद में ठंडा होने से पहले हटा देते हैं ताकि हमें वेल्डिंग अच्छे से दिखाई दे जाए। और यदि इस वेल्डिंग के ऊपर और वेल्डिंग करना है तो इस स्लैग को हटाना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में मार्केट में बहुत टाइप की वेल्डिंग अवेलेबल है, लेकिन यह वेल्डिंग सबसे पुरानी और पॉपुलर वेल्डिंग है जिसके पीछे एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मर हाई करंट जनरेट करता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस वीडियो का एनिमेशन, जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे ही साइंस से जुड़े वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और थर्ड नंबर क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट में जरूर से लिखना। थैंक यू।